चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित लाभार्थियों को जोड़ने का काम राजस्थान में प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई। 16 दिसंबर से पूरे राजस्थान में यात्रा शुरू हो जाएगी। जोधपुर में इसकी शुरुआत के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यात्रा गत माह झारखंड से शुरू हुई थी। इस यात्रा के तहत देश की 2.5 लाख पंचायतों को कवर किया जाएगा और वंचितों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में इस यात्रा के बारे में। विकसित भारत का सपना होगा साकार, वंचितों को मिलेगा मोदी की गारंटी योजना का लाभ, गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा काम, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, काजरी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन, मोदी की गारंटी योजना का लाभ हर पात्र को मिले, साथ ही वंचितों को जोड़ने के लिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत पीएम मोदी ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर 15 नवंबर को झारखंड के छोटे से गांव से किया था। उसका आगाज राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर में हुआ। जोधपुर के काजरी के सभागार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अतिथियों ने राजस्थान में इस यात्रा का दीप जलाकर शुभारंभ किया। राजस्थान में 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा हर पंचायत समिति व गांव ढाणी तक जाएगी। यात्रा का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुँचाना है। 16 तारीख से राजस्थान के सभी जिलों में हर एक गांव में हर पंचायत तक ये यात्रा जाएगी और देश के 2.5 लाख पंचायतों तक जाकर के ऐसे सामान्य परिवारों के लोग, गरीब परिवारों के लोगों के अनछुए ऐसे योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेगी। काजरी के सभागार में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के मौके पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, लूणी विधायक जोगा राम पटेल समेत कई अधिकारी, किसान, महिलाएं एवं आम जन मौजूद रहे। शुभारंभ समारोह में शामिल हुए दिग्गजों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, विकसित भारत संकल्प का सपना होगा साकार, मोदी सरकार के 9.5 वर्ष गरीब कल्याण के वर्ष रहे हैं। इस दौरान 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए, करीब 22 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई, 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डाले जा रहे हैं, 47 करोड़ गरीबों के जनधन के खाते खुलवाए गए, सभी सहयोग राशियां डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया गया, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज 3 साल में मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस प्रकार की योजनाएं चलाकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा काम शुरू हुआ। सरकार ने अभियान के दौरान इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए 20 प्रमुख योजनाओं की पहचान की। इन योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम किसान सम्मान समेत अन्य शामिल हैं। आपको बता दें कि अब तक यह यात्रा 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। 26 जनवरी से जो यात्रा के माध्यम से जो इस तरह की सूचियां एकत्रित होंगी, उन सब सूचियों को ऊपर आने वाले समय में शीघ्रता के साथ में, प्राथमिकता के साथ में काम करके ऐसे वंचित पात्र लोगों को लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम करेगी। शुभारंभ कार्यक्रम में लाभार्थी किसान और महिलाएं अपने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर सराहना करती नजर आई। महिला किसान विमला सियाग ने बताया कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर उन्होंने खेती का व्यवसाय शुरू किया, जिसका निश्चित रूप से उनके परिवार के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है। मैं खुद खेती करती हूँ, जैसे मेरा बेर का बगीचा है तो उस खेत के अंदर मैंने देसी प्लांट लगाए और उनके ऊपर मैंने खुद ने बडिंग की है और जैविक खेती कर रही हूँ। अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे बेर का प्लांट भी है, कुछ मोरिंगा है के प्लांट है, कुछ मैंने ड्रैगन फ्रूट्स लगा रखे हैं, उसके अलावा सब्जियाँ हैं जो कि टोटल सारा जैविक है।
दरअसल देश के वंचितों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़कर हर घर और गांव का विकास संभव है। जब आम आदमी मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश भी विकसित होगा। 2047 का संकल्प पूरा होगा। जो लोग लाभार्थी हैं और जो वंचित रह चुके हैं, उनको आने वाले समय में हर किसी योजनाओं से वो जुड़ सके, इसलिए इस गाड़ी को हर गांव तक, हर घर तक मोदी जी अपनी गारंटी जो है वो हर घर तक ले जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किसानों ने बताया कि सरकार की योजनाओं से उन्नत श्रेणी का बीज मिलने से उनका मुनाफा भी बढ़ गया है। 2-3 साल से मिल रहा है, वो फसल अच्छी हो रही है। पहले घर का बीज बात है वो कम देता, नेपा कम होता और अब ज्यादा हो रहा है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति एवं हर वंचित को पानी, बिजली, शौचालय, पक्के मकान, गरीब को भोजन, उपचार, महिलाओं को उज्ज्वला गैस, किसानों को उन्नत बीज, जैविक खेती से लाभान्वित करने के लिए किसान, युवा, महिला एवं गरीब को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु विकसित करने के संकल्प के साथ देश भर में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर वंचित को लाभ मिलेगा तो 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प पूरा हो जाएगा। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।